ब्रेक तो बाद एक बार फिर इसी गल करने आ यूक्रेन दी जिससे कि रूस वालों हमला किया गया। तीजा दिन है तो लगातार बमबारी जड़ी है हो रही है, लेकिन इस विचकार उत्थे फसे जड़े लोग ने खास तौर पर भारतीय उन्होंने खासी दिक्कतों का वो सामना इस वेले कर रहे हैं। खाण पीण और होर दिक्कतों का सामना इस वेले यूक्रेन फसे भारतीय कर रहे हैं। विद्यार्थी जिते मुल्क वापसी लिए केंद्र सरकार से नजर टिकाई बैठे ने, उत्थे ही भारत में उन्होंने मापे अपने जीवन की वापसी लिए बेसब्री नाल उड़ीक कर रहे हैं, तो जिहड़े वापस आ चुके ने वो लू कंडे खड़े कर देने वाली अपनी हड़बीती साझी कर रहे हैं। अबोहर के विनोद डुडी भी उन्होंने परिवारों में एक ने जिन्हों के बच्चे यूक्रेन फसे हुए हैं। विनोद की बेटी प्रगति जो उतों के हालात बारे दसती है तो होर परेशान हो जाते हैं, पर वह अबोहर की ही अवनी सियाग वापस आने च कामयाब रही जिसकी हड़ बीती सुन के लोग कंडे खड़े हो जाते हैं। उधर नंगल तो यूक्रेन गए आदर्श जसवाल की माता का रो रो के बुरा हाल है, जिन्हों का पुत पिछले महीने ही भैन के ब्याह लिए भारत आया सी, ते जे उन्हां नूं पुत पता हुंदा कि वह आदर्श नूं वापस ना जाण दिंदे। इसे तरह राजपुरा दी रवजीत कौर भी यूक्रेन च फसी हुई है जिसके मापे भारत सरकार नूं मदद दी अपील करे। बेटा यूक्रेन में है वुकोवेनियन यूनिवर्सिटी में, तो वो बच्चे अब 600 बच्चा वुकोवेनियन यूनिवर्सिटी चर्नीविस्ती में बच्चे फंसे हुए हैं। तो मेरी तो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को निकालने की कोई जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं पर बच्चों का भी आने का कुछ पता नहीं चल रहा। बेटे की बात हुई थी, वो वेट कर रहे हैं कि हमें किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए हंगरी या पोलैंड के पास, मेरा बेटा रोमानिया के पास है, मेरे बच्चे को निकालने की मैं तो बल्कि बोल रही हूँ कि सब बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए। सानू बहुत चिंता आ, तो बेटा भी उते मतलब फसया होया, असी उन्हूं कह रहे हैं भी वापस आ जा, तो उन्हें मैंने कहा भी पापा फिर टिकट बुक करा दो मेरी। जो तो मैं टिकट बुक करा गया तो उरे दे एजेंटा ने पैसे ही दुगना तिगना मंग ले, जिहड़ी मैं उन्हूं 25-26 हज़ार रुपया लगा के ये टिकट भेजा सीगा, हुण उही टिकट 64 हज़ार की दे रहे ने। तो मैं कहा चलो कोई गल नहीं, 64 हज़ार की मैं देखदा करदा खेला। जदों दोबारे मैं गया तो उही टिकट कहिंदा वो खत्म हो गई है, हुण 88 हज़ार की मिलेगी। असी एक सधारण परिवार तो हाँ। हाँ मेरा एक फ्रेंड है वो अमृतसर का है, वो भी अभी वहीं है, वो हंगरी से होके फिर आएगा। तो क्या हालात वीडियो कॉल वगैरह दिखा रहे हैं किस तरह के लोग यहाँ भग रहे किस तरह से? हाँ लाइक हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर से टैंक्स वगैरह चल रहे हैं और हर एक दो मिनट में पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह और वही सारा जो नॉर्मल पेट्रोल होता है वो काफ़ी रेगुलरली चल रहा है। तो अब आप घर वापस आए हो तो कैसा लग रहा है कि वहाँ होते तो कैसा होता? अच्छा तो लग रहा है कि अच्छा हुआ टाइम से आ गए, क्योंकि वहाँ पे मतलब खाने को भी अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है, मेस में भी अभी खाना इतना नहीं मिल रहा, तो मेरे को तो बहुत सेफ फील हो रहा है। बट मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्त ही वहाँ पर हैं, सिर्फ एक दो दोस्त आए थे मेरे साथ।